स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ और क्लास है 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अभी तक हमारे पटेल ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पर आके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ में जाएंगे। कोरल ड्रॉ में जाने के बाद आप फाइल पर न्यू पर क्लिक करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी छोटी रहेगी, बहुत बड़ी क्लास नहीं रहेगी, बहुत छोटा सा टूल है उसके बारे में बात करने के लिए आपके पास आया हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा इंटरफेस है। तो आप जैसे यहाँ पर टूल्स पर क्लिक कर दे, ठीक है, ये आपका टूल्स है। और जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन पर आके कस्टमाइजेशन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% है। ये 100% क्या चीज़ है, ये यहाँ पर आप जो फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी दिख रहा है ये आपका 100% पर है। तो अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये भी बढ़ता जाएगा और जो कि बहुत ओल्ड लगता जा रहा है हमें दोस्तों। तो सीधी सी बात है, हम ऐसा इंटरफेस तो रखेंगे नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है हम वही रखेंगे। तो मैं यहाँ से सिंपली इसे 100% कर दे रहा हूँ जो हमारा पहले डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा लाइट विंडो बॉर्डर डेस्कटॉप। ठीक है, तो यहाँ थीम पर मैं क्लिक करूँगा लाइट पर, तो यहाँ पर जाऊँगा मैं और फर्स्ट देख रहा हूँ ब्लैक। तो जैसे मैंने ब्लैक किया तो ये दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल गया। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है। तो बहुत लोगों को दोस्तों एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वापरते वापरते उनको डार्क स्किन की आदत गिर गई होती है तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हमें हमारा लाइट इलेक्ट्रिसिटी लैपटॉप कंप्यूटर का बचाना तो भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो है वो आप रख सकते हैं, डार्क पे रखना डार्क, मीडियम पे रखना है मीडियम और लाइट पे रखना है लाइट। तो दोस्तों मैं यूजुअली अपना वाइट पे रखता हूँ क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस इसी तरह से अच्छा दिखता है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर लाइट कर दिया। अब जो हमारा विंडोज़ बॉर्डर है तो उस पर आके आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो जो कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ऊपर वो कलर चेंज होते जा रहा है। लाइक मैंने अभी ग्रे किया तो ग्रे दिख रहा है, यहाँ पर वाइट आ गया, फिर से रेड किया तो रेड आ गया, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट ही रखना है। और डेस्कटॉप बोले तो दोस्तों जैसे मैंने रेड किया तो आपका ये जो पीछे का एरिया है वो आपका डेस्कटॉप है, खाली आपका ये जो आर्ट बोर्ड है उसको छोड़ के जो पीछे है वो डेस्कटॉप। आप उसका कलर चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ से वाइट ही रखा और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपका ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेम रहेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा इंटरफेस है जो बहुत लोगों को अच्छा लगता है तो वो अपने हिसाब से मैनुअली भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ जो डिफ़ॉल्ट है वो अच्छा ही है। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ ये दोस्तों हमारी कि बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम है या ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से कोई भी चीज़ को रखना चाहे तो रख सकते हैं। लाइक अभी मुझे यहाँ पर कलर प्लेनेट दिख रहा है कि सिंगल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और जूम आउट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तीन कलर प्लेनेट है इसके। तो मैं यहाँ से कभी आर्ट बोर्ड पर क्लिक करूँगा या कहीं पे क्लिक करूँगा तो ये चले जाएंगे। अगर आपको ये परमानेंटली चाहिए तो आप इसकी जगह पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आके रोज पर क्लिक करके यहाँ पर आप बताएंगे कि मुझे कितनी रो में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर से जूम आउट कर रहा हूँ। अब ये आप कहीं पे भी क्लिक करो तो ये आपके वहीं पर रहेंगे तीन, लेकिन यूजुअली यहाँ पर भी लोग रो में जाके वन पर ही रखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आया इस एरो पर और मैं यहाँ पर जाके रोज पर जा रहा हूँ और यहाँ से आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ हमेशा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है डिफ़ॉल्ट रखने का, तो डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके कोई आपको प्रॉपर्टी बार या स्टेटस बार टूल बार हटाना तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। लाइक जैसे मैंने मेन्यू बार किया तो ऊपर का मेन्यू चला गया, आप फिर से यहाँ पर आके राइट क्लिक करेंगे स्टेटस बार हटाएंगे तो आपका स्टेटस बार भी यहाँ से चला जाएगा, राइट क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड करेंगे तो स्टैंडर्ड में वो भी चला जाएगा, फिर जैसे टूल बॉक्स चला जाएगा यहाँ से, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे वो सब चला जाएगा। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी थी, जो बेसिक टूल्स थे बताना ज़रूरी था इसलिए बता दिया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।